मित्रों, आज आपसे बात करने का यह अवसर, जब देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और नए युग में प्रवेश इसलिए कहता हूं कि नया इतिहास रचा गया हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का। ये दूसरा अवसर है जब किसी देश के राजनीतिक दल को अपने बलबूते पर सरकार बनाने का अवसर मिला, और इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव के इस अभियान के महानायक और इस विजय के महानायक माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ के एक-एक कार्यकर्ताओं की ओर से उनका मैं आज अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अमित शाह जी जिनके नेतृत्व में 11 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस चुनाव अभियान में लगातार योगदान दिया, उनका भी मैं आज अभिनंदन करता हूँ इस ऐतिहासिक जीत के लिए। क्योंकि 2019 का ये लोकसभा का चुनाव, 17वें लोकसभा के गठन का निश्चित रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण था और छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण था। आज जो स्थिति बनी हुई है, 352 NDA के हमारे लोकसभा के मेंबर जीत के आए हैं, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी 303 के आंकड़े पर पहुंची है। कहां 2 सदस्यों से प्रारंभ करके आज उस स्थिति में है कि हमारे 303 सांसद हैं, और छत्तीसगढ़ में अवसर मिला कि छत्तीसगढ़ के 9 लोकसभा में हमारी विजय हुई है। और ये अपने आप में आज के संदर्भ को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये 7वीं बार हम भारतीय जनता पार्टी के इस परफॉर्मेंस को, कार्यकर्ताओं की मेहनत को, उनकी तपस्या को 7वीं बार हुआ है जब हम लोकसभा में बहुमत के साथ काम किए हैं। 96 से लगातार 7 बार भारतीय जनता पार्टी 7, 8, 9, 10 तक लोकसभा जीतती रही है, और इस बार हमने 9 लोकसभा जीतकर निश्चित रूप से जीत का परचम लहराया है। इस चुनाव में जहां जातिवाद की राजनीति में पूर्ण विराम लगा है, वहीं वंशवाद की राजनीति को देश की जनता ने नकार दिया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का न केवल समर्थन मिला है, बल्कि प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के ऊपर इस नारे पर विश्वास करके मुहर लगाई। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से हम इस उत्साह में भागीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 9 लोकसभा सीट जीतने के पहले उस पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा, जब चुनाव के नतीजे आने के 1 दिन पहले भूपेश बघेल ये दावा करते थे, लगातार वो प्रेस के माध्यम से ये कहने का प्रयास करते थे कि जिसका विधानसभा होता है, जिसकी सरकार होती है, उसके लोकसभा में बहुमत आता है, इसलिए हम 11 में 11 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं, ये मुख्यमंत्री ने दावा किया। और उसके दावा के साथ साथ 11 लोकसभा सीट में बढ़त की बात कहने वाले भूपेश बघेल जी के 5 महीने के कार्यकाल से ही छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से यहाँ के प्रशासनिक आतंकवाद, आर्थिक अराजकता से छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल की सरकार के कामों को नकारा है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट कह दिया कि बदलापुर की सरकार और ये मानसिकता छत्तीसगढ़ में चल नहीं सकती, और इसलिए 11 में से 9 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की विजय। एक वरिष्ठ मंत्री का बयान मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो हम उसको पराजय मानेंगे और इसकी हम समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से हारा गया। ये बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले, बड़ी बड़ी बात करने वाले, आज मैं कहता हूँ कि भूपेश बघेल न केवल प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के ख्वाब देखने लगे। वो जहाँ जहाँ गए, जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया हिंदुस्तान के हिस्सों में, वहाँ वहाँ कांग्रेस का भट्टा बैठाया, भंठा डाल दिया,
अमेठी में डेरा डाल के 10 दिन तक बैठे रहने वाले भूपेश बघेल और उसकी पूरी टीम अमेठी में राहुल गांधी को नहीं बचा पाए। यहाँ से भोपाल गए, भोपाल में दिग्विजय सिंह की सबसे करारी हार हुई। जबलपुर की हार हुई। बनारस पहुंच गए, इतनी ऊंची छलांग लगाने का काम किए, ये सारी जगह में जाकर इन्होंने चुनाव अभियान में पूरी शक्ति झोंकी और सब जगह कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम किया। ये अपना खुद का घर नहीं बचा पाए। दुर्ग लोकसभा में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत। आइए,